फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस टाइम जो टाइम चल रहा है, इसमें मेलीबग का बहुत अटैक होता है, स्पेशली हिबिस्कस वगैरह पे। और मेलीबग वो कीड़ा होता है, वाइट वाइट सा होता है, जो रुई रुई सा देखने में लगता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इस पर कल लगा हुआ था, काफ़ी दिख रहा था मुझे। एक्चुअली 3-4 दिन से मैं आई नहीं, तो मुझे दिखा भी नहीं, तो बहुत लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, जो ज़्यादा लगा हुआ था तो वो उतनी टिप्स काट दी मैंने। आप देखिए, सब कटी हुई दिख रही होंगी ना टिप्स आपको, सब फिर से मैंने पूरी टिप्स काट के और वो जो कटे हुए पोर्शन था उनको सबको पॉलिथीन बैग में करके बहुत, और इस पर मैंने एक स्पेशल दवाई का स्प्रे किया जिससे मेलीबग उसी टाइम ख़त्म हो गया। अब वो दवाई मुझे दो बार और करनी है, आज सेकेंड डोज भी हो गया उसका। तो आपको वही बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया जिससे कि मेरा पेड़ बिल्कुल ही रोग मुक्त हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लेंगे इमिडा क्लोक्रेट। ये कई नामों से आती है, इमिडा कमांडो या इमिडा क्लोक्रेट। तो आपको इमिडा क्लोक्रेट ही उसमें चेक करना चाहिए और इस अपनी पूरी स्प्रे बॉटल में पानी भर के उसमें 2-3 ड्रॉप डाल के और अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए और पूरे प्लांट को खूब अच्छे से हम स्प्रे करेंगे। प्लांट को खूब अच्छे से थॉरोली स्प्रे करना है जिससे कि कोई पत्ती के नीचे वाला हिस्सा भी छूटने ना पाए, बिल्कुल टॉप से लेके टो तक, तो स्टेम तक, सॉइल पे भी कर दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा क्योंकि इनके अंडे बच्चे पत्तियों के नीचे भी छुप जाते हैं और जो आसपास प्लांट रखे होते हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो जो देखिए प्लांट जो मेरा पास में रखा हुआ है मिनी मुसंडा, मैं उस पर भी बहुत अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ। और ये नहीं कि ऊपर ऊपर कर देना, पूरा ऊपर जो आसपास प्लांट रखे हैं उनको भी थोरो स्प्रे करना है क्योंकि इनको चींटियाँ बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से फैलाती हैं। तो आपने अभी देखा है तो शाम तक ये और भी ज़्यादा फैला दिखेगा। तो देखिए, ये मुनी मुसंडा को अच्छा से मैंने स्प्रे किया है और साथ में मेरा जो इस साइड बोगनवेलिया रखा है मैंने उसको भी बहुत अच्छे से स्प्रे किया है। तो इसको हम 3 बार स्प्रे करते हैं, जैसे आज ये हो गया एक स्प्रे, इसके 3 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के 3रे दिन फिर स्प्रे करेंगे, फिर 2 दिन छोड़ के 3रा स्प्रे करेंगे। तो ऐसा मानना है कि इनके जो बचे हुए अंडे बंडे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको 5 मिनट रुक के इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसको आपको मेलीबग को निकाल के दिखा रही हूँ, इसमें कोई मूवमेंट आपको दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखिए, कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब है ये मर चुकी है। ये बहुत आसान तरीका है मेलीबग को हटाने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।